इस सीरीज के एपिसोड 1 में हमें पता चला कि फोर्स अर्बेनिया एक बहुत ही प्रीमियम वैन है जो 3 वेरिएंट में आती है। तीनों वेरिएंट में विड्थ और हाइट तो 6 फीट है, मगर इनकी लेंथ अलग अलग है। सबसे छोटी अर्बेनिया का व्हील बेस है 3350। इसमें कंस्ट्रक्शन स्पेस है लगभग 8.8 फीट और लेफ्ट साइड में डोर होने की वजह से कंस्ट्रक्शन करना थोड़ा मुश्किल है। या तो एक किचन ही बन पाएगा और या एक वॉशरूम। 2 से 3 लोगों की फैमिली के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है और इसकी ऑन रोड प्राइस है 35 लाख रुपीज। अगला व्हील बेस है 3615 और इसमें कंस्ट्रक्शन स्पेस मिलता है अप्रोक्सीमेटली 11.2 फीट। इसमें सब कुछ अच्छे से बन जाएगा, ये 4 से 5 लोगों की फैमिली के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसकी भी ऑन रोड प्राइस लगभग 35 लाख रुपीज है। थर्ड वेरिएंट है 4400 व्हील बेस, जो कि बहुत ही बड़ी गाड़ी है और इसमें कंस्ट्रक्शन स्पेस अप्रोक्सीमेटली 12.9 फीट मिलता है। इसमें तो आपका 1 BHK अपार्टमेंट जैसा कुछ बन जाएगा। आप मानोगे नहीं, पर इसकी प्राइस भी सेम है 35 लाख रुपीज। अब सोचो कि ये सारी की सारी गाड़ियां बिल्कुल अलग हैं, तो इन तीनों की प्राइस कैसे सेम है? इसका आंसर आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा। टुडेज वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रो कैंपर। प्रो कैंपर इज इंडियाज फाइनेस्ट कैरावैन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। वी आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स डिलीवरिंग अनमैच्ड क्वालिटी, सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी। टू स्पीक टू अस प्लीज क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। प्रो कैंपर, फॉर द प्रो बाय द प्रो। सो गाइज, मेरा वर्डिक्ट बना है, जो मेरा फाइनल डिसीजन है वो ये है कि अगर मैं अपने लिए अर्बेनिया खरीदता हूँ, अगर मेरा मूड बनता है अर्बेनिया लेने का, तो मैं जो सबसे छोटे वाली है वो नहीं लूँगा, जो सबसे बड़ी वाली है वो नहीं लूँगा, मैं लूँगा ये मिडिल साइज़ वाली अर्बेनिया जिसमें 12+ D स्टीयरिंग कैपेसिटी आती है। गाइज, नाउ दैट आई हैव सेलेक्टेड द व्हीकल, अब मैं इसके एक्सटर्नल बॉडी के बारे में आपको पहले बताता हूँ, फिर अंदर लेके जाऊँगा, फिर टेस्ट ड्राइव पे लेके जाऊँगा। तो सबसे पहले आप फ्रंट से इस गाड़ी को देखो तो भाई ये बहुत सुंदर गाड़ी है। जो मॉडर्न डे कार्स आती है ना गाइज, उसके साथ बिल्कुल इन सिंक कंपैरिजन में चल रही है। लुक एट दिस बैजिंग यार, क्या ही अमेजिंग बैजिंग है। ये आगे का जो अर्बेनिया लिखा हुआ है कितना सुंदर लग रहा है। ये जो हेडलैम्प्स हैं, लुक एट हाउ मैसिव दे लुक। साथ में फॉग लैम्प्स आ जाते हैं। अगर आप ये वाला कलर लेते हैं तो जो बम्पर है वो लगभग आपको बॉडी कलर का दिखता है। ABS का बम्पर है, ये बॉडी कलर नहीं है, ये मैट है और ये ग्लॉस है, तो बॉडी कलर तो नहीं है। अगर यहाँ साइड में देखें तो एक बैजिंग आती है FM 2.6, ये वही इंजन है जो आपका फोर्स ट्रैवलर का जो 4020 वेरिएंट या बाकी वेरिएंट आते हैं सब में, मतलब मेरे को नहीं समझ में आता कि फोर्स कैसे यूज़ कर लेता है सेम इंजन सबसे छोटी 3050 व्हील बेस में भी और 4020 व्हील बेस में भी। तो सेम इंजन यूज़ होता है सारी गाड़ियों में। साइड से अगर आप देखें तो इस गाड़ी में बहुत बड़े बड़े आपको शीशे दिखाई देते हैं। लेंथ वाइज ये गाड़ी ओके है, मतलब इट्स लाइक अ बस, इट्स नॉट अ कार और अ वैन, इट्स अ बस, बिल्कुल बस के जैसा है। पीछे से अगर हम आते हैं, काफ़ी अच्छी लग रही है गाड़ी गाइज, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं डरा हुआ हूँ थोड़ा सा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से लेके ही जाऊँ इस गाड़ी को, फिर बहुत सारी कैरावैंस हो जाएंगी अपने पास। एनीवे, चलो ये इमरजेंसी डोर दे दिया इस तरफ में। टायर की बात करें, 16 इंच के टायर डले हुए हैं इन लोगों ने। इसकी प्रोफाइल चेक करें 235/65/16। गाड़ी में गाइज आपको टोटल 4 दरवाजे मिलते हैं। एक दरवाज़ा ये पीछे मिलता है, एक स्लाइडिंग डोर आपको साइड में मिलता है, 2 फ्रंट में आपको ड्राइवर पैसेंजर के दरवाजे मिल जाते हैं। गाइज, अगर आप लोगों ने कभी फोर्स डीलरशिप विजिट करी है तो आप लोगों को पता होगा ये जो साइड का दरवाज़ा है इसकी कॉस्ट लगभग 1 लाख रुपए के आसपास होती है। सो जो लोग 3350 T2 लेते हैं उनके पास ऑप्शन होता है कि ये साइड का डोर लेना है कि नहीं लेना है। तो इस डोर की कीमत लगभग 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा होती है जो कि इसमें पहले से आता है। इसके अलावा इसमें फिक्स्ड विंडोज़ हैं, तो अगेन अगर आप फोर्स डीलरशिप के पास जाएं और आप बोलें कि आपको फिक्स्ड विंडोज़ वाला मॉडल चाहिए तो उसकी कॉस्ट करीबन 25,000 से 30,000 रुपये एक्स्ट्रा होती है। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये थोड़ी देर में पता चलेगा। तो बाहर से दिखने में बहुत ही सुंदर गाड़ी है। इसका जो साइड मिरर्स हैं ये भी बहुत सुंदर हैं, इसी में एक इंडिकेटर का जो बल्ब है वो दिया गया है, तो ओवरऑल अच्छी लग रही है, आई लाइक इट। अब इसके अंदर चल के बैठते हैं, देखते हैं कि ये कैसी ओवरऑल इसका लुक एंड फील कैसा है। तो गाड़ी की चाबी की बात करें तो फोर्स की बैजिंग पीछे आती है, बड़ी ही बेसिक सिंपल चाबी है। इसमें ये लॉक का बटन है और ये अनलॉक का बटन है, तो मैंने अनलॉक का बटन दबा दिया है। अब गाड़ी के अंदर चल के बैठते हैं। जो गाड़ी का मुझे विंडशील्ड दिखाई दे रही है ये बहुत मैसिव है और इससे मुझे लगता है विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी होने वाली है। अब गाड़ी के अंदर चल के बैठते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन देता हूँ आपको। तो गाइज़, ये दरवाज़ा खोलने से ही, तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला है ना गाइज़, मेरे को अंतर महसूस हो गया और पता लग गया कि ये ट्रैवलर नहीं है। ट्रैवलर ऐसे नहीं खुलता, ट्रैवलर का दरवाज़ा जो है वो पता लगता है कि काफ़ी फ्लिमजी सा है, काफ़ी पतली चद्दर यूज़ हुई है और इसमें जो बात है वो डिफरेंट है। थोड़ा सा मेरे को अच्छा लग रहा है, मतलब प्रीमियमनेस का फील आ रहा है,
इस गाड़ी के अंदर आते के साथ ही। अब मैं जब आके बैठा हूं तो अब ये देखो ये विंडो कितनी बड़ी है गाइस, कितनी बड़ी विंडो है, विजिबिलिटी जो है वो कितनी बड़ी आ रही है, मैं आपको आगे से दिखाता हूं। सो ये चेक करो गाइस, जो आपका फ्रंट विंडशील्ड है, साइड के जो विंडोज हैं कितनी मैसिव है। मतलब इस गाड़ी में बैठ के मेरे को बहुत 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 अच्छा फील आ रहा है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं भाई, फोर्स मोटर तुम इतने पैसे खरीद ले रहे हो यार कस्टमर से कम यहां पे ये टॉप वेरिएंट है, इसमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल तो दे देते ना यार। कितना खर्चा आता है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल देने का, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एनीवे, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लुक्स गुड, सेंटर कंसोल लुक्स गुड, डैशबोर्ड लुक्स गुड, डैशबोर्ड बहुत मैसिव है। एक एयरबैग उधर आ गया है, एक एयरबैग इधर आ गया है, दो एयरबैग इस गाड़ी में आते हैं। काफ़ी अच्छा मरीन जैसा मेरे को एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेंटर में दिखाई दे रहा है। और एसी के वेंट्स भी आ गए हैं, यहाँ 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, यूएसबी सॉकेट है, ऑक्स केबल का सॉकेट है, और साथ ही साथ उस तरफ मेरे को दिखाई दे रहा है एक और यूएसबी सॉकेट है। अब गाइस एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जब, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत सारे फोर्स ट्रैवलर के ओनर्स बोल रहे हैं, उस गाड़ी में ना पावर विंडो आती है ना उस गाड़ी में सेंट्रल लॉकिंग आती है, तो इस गाड़ी में सेंट्रल लॉकिंग आ गई है। अगर उस गाड़ी में आप सेंट्रल लॉकिंग बाहर से लगवाते हो या पावर विंडो बाहर से लगाते हो तो फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बारिश हुई और आपकी सेंट्रल लॉकिंग और विंडोज बंद हो जाती है कई बारी, तो बहुत सारे ओनर्स जिनको मैं पर्सनली जानता हूं उनका कहना है यार कि मैंने लगवा तो ली है बट अब मैं पछता रहा हूं। गाइज ये जो सीट आप देख रहे हैं ये सीट सिक्स वे एडजस्टेबल है, तो ये आगे पीछे होती है, ऊपर नीचे होती है, और इसका जो बैक है ये भी आगे पीछे हो जाता है। इस तरीके की सीट्स आती हैं गाड़ी में। साथ ही साथ इस गाड़ी में गाइज बहुत 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 बड़ा एडवांटेज मैं बताता हूँ आपको, एयर कंडीशनर प्री फिटेड आता है, एयर कंडीशनर प्री फिटेड आता है। तो जो अपनी फोर्स ट्रैवलर है उसमें एयर कंडीशनर नहीं आता है, इस गाड़ी में एयर कंडीशनर प्री फिटेड आता है। गाइज इतनी गर्मी में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज कंसिडर बाइंग मी अ बियर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जनरली लोग करते क्या है, वो एयर कंडीशनर बाहर से इंस्टॉल कर लेते हैं, और बाहर से एयर कंडीशनर इंस्टॉल करने की जो कॉस्ट होती है वो लगभग होती है 2 लाख रुपए के आसपास, अगर आप एक ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से अच्छी कंपनी से अगर आप एसी इंस्टॉल करा रहे हैं। इस गाड़ी में वो एसी पहले से आता है। नाउ BS6 आने के बाद काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं, आपने काफ़ी सारों के वीडियो ऑलरेडी देखे भी हैं, जिन लोगों ने कंप्लेन किया है कि भाई जब से मैंने एसी इंस्टॉल करवाया है बाहर से अब ये गाड़ी पहाड़ों पे ओवरहीट हो जाती है, रुक जाती है, बंद हो जाती है। इनफैक्ट नॉट जस्ट पहाड़, अगर आप दिल्ली जैसी जगह में रहते हैं जहाँ पे गर्मी समर्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा होती है तो वो गाड़ी ओवरहीट हो जाती है। मी एंड वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड जो कि टेक्निकली बहुत ज़्यादा साउंड है, मैं भी टेक्निकली साउंड हूँ, वो मुझसे 10 गुना ज़्यादा टेक्निकली साउंड है, हम लोगों ने एक एक एस्पेक्ट को कंपेयर किया है कि क्यों ओवरहीटिंग हो रही है उस गाड़ी में। तो अभी दिस इज़ जस्ट अर्ली थ्योरी, बट जो उसमें प्रोग्रामिंग की गई है, जो BS4 व्हीकल था, BS4 व्हीकल में वो सादा व्हीकल था, उसमें ज़्यादा सेंसर नहीं थे, इस वाली गाड़ी में हो क्या रहा है, जो RPM है ना वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है फ़ैन का, जो आपका इंजन को ठंडा करता है फ़ैन जो रेडिएटर के आगे होता है, वो वाला फ़ैन का RPM रेगुलेट नहीं कर पा रही है वो गाड़ी, और सेंसर बेस्ड है तो इस वजह से वो गर्म हो जाती है और पिकअप लेना बंद कर देती है। मेजर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्ट्रीब्यूशन है इस गाड़ी में एक्सटर्नल AC फिट करने का। तो मेरी उन लोगों से भी बात हुई है जिन्होंने एक्सटर्नली AC फिट नहीं कराया, उनकी गाड़ी कहीं नहीं रुकती, सब सही चलती रहती है, बाहर से AC फिट कराते ही आपको स्लगिशनेस महसूस होगी और दूसरा आपकी गाड़ी कहीं भी बंद होने का चांसेस हैं, स्पेशली द BS6 एंड BS6.2। इस गाड़ी में वो वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, कंपनी फिटेड AC है। अब मैं अगर सीट पे बैठने की बात करूं तो ये मैं को ड्राइवर सीट पे आके बैठ रहा हूं गाइस, तो भाई इसमें तो फील ही अलग है। अगर आप फोर्स ट्रैवलर में बैठे हो तो आपको पता होगा कि कितनी अनकंफर्टेबल सीट्स आती हैं ड्राइवर को ड्राइवर की। लुक एट दिस सीट यार, ये तो बहुत मैसिव है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील दे रही है मेरे को, ये लुक एट दिस, काफ़ी अच्छा सीट, मतलब मेरा थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, मेरा बैक सपोर्ट भी अच्छा है, हेडरेस्ट भी मेरे बिल्कुल सही जगह पे आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इस वाली गाड़ी में एक टच स्क्रीन सिस्टम आता है, ये सामने दिया हुआ है टच स्क्रीन सिस्टम, इसमें कैमरा भी आता है, तो ये सारी चीज़ें ना जनरली फोर्स ट्रैवलर में आती नहीं है। दूसरा होता है क्या, जब आप ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदते हो और वायरिंग के साथ टेम्पर करते हो कंपनी वाले वारंटी आपकी वॉइड कर देते हैं, तो ये सब कुछ जो इन्होंने इसी गाड़ी में दे दिया है वो बहुत इम्प्रेसिव है और बहुत अमेजिंग है। नाउ द सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो इस गाड़ी में और फोर्स ट्रैवलर में है वो है भाई, इसमें देखो इंजन ही नहीं है बीच में, नो इंजन इन बिटवीन, उसमें यहाँ तक आपका इंजन आता है, इस जगह तक इंजन आता है, इसमें इंजन बाहर बोनट की तरफ दिया गया है। तो जो बोनट की तरफ इंजन दिया गया है इसके दो फायदे हैं, एक तो हीटिंग बिल्कुल नहीं आती, और जो साउंड है, जो काफ़ी तगड़ी साउंड आती है इस एरिया में, वो साउंड इस गाड़ी में बिल्कुल नहीं आती है। तो आई एम वेरी हैप्पी सिटिंग इनसाइड दिस व्हीकल सो फार।
अब इसको टेस्ट ड्राइव पे लेके जाते हैं। तो ये रही गाड़ी, ये देखो लॉकिंग लुकिंग का सब दे दिया, ये विंडोज का दे दिया, सब कुछ अच्छा लग रहा है इसमें, सब कुछ अच्छा लग रहा है। सीट अपनी थोड़ी सी आगे कर लेता हूँ, बिल्कुल राजाओं वाली पोजीशन पे मैं बैठा हूँ। देखता हूँ इसकी सीट और ऊपर हो सकती है क्या। तो सीट इसकी गाइज और ऊपर हो रही है, तो गाइज मैं सीट इसकी ऊपर कर रहा हूँ। ये हाईएस्ट इसकी पोजीशन है जहाँ पे हम कर सकते हैं। देख रहा हूँ मेरे पैर पूरे पहुँच रहे हैं, पैर पूरे पहुँच रहे हैं। तो मैंने इस गाड़ी को अपने हिसाब से पूरा एडजस्ट कर लिया। नेक्स्ट है इसमें टिल्टेबल स्टेयरिंग आता है जो कि फोर्स ट्रैवलर में नहीं आता है। ये टिल्टेबल स्टेयरिंग इज रियली नाइस, मेरे को थोड़ा लो स्टेयरिंग रखने की आदत है तो मेरे हिसाब से दिस इज़ अ परफेक्ट पोजीशन। अगर हम बात करें स्टोरेज की तो स्टोरेज के लिए बहुत सारा स्पेस दिया है, इधर भी दिया है उधर भी दिया है, इस तरीके से ये भी है कि खुल जाता है, ये भी स्टोरेज सिक्के कैसे में आ जाएंगे। साइड में बॉटल के लिए भी जगह दी गई है, उधर भी बॉटल के लिए जगह दी गई है। स्टोरेज के मामले में गाड़ी एक नंबर है, इसमें काफ़ी अच्छी स्टोरेज है। ये जो प्लास्टिक क्वालिटी है ये थोड़ी सी मेरे को लगता है बेटर हो सकती थी, मतलब इतना पैसा लेने के बाद तो डेफिनेटली हो सकती थी, बट ठीक है। मतलब मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसको फोर्स ट्रैवलर से तो ज़मीन और आसमान का अंतर है, और आई एम ओके विद इट विद दिस क्वालिटी एज वेल। अच्छी है, मतलब ओके है, दिस इज़ 30-35 लाख वाली तो नहीं है बट ओके है। इस तरीके का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसमें मैं रिवर्स गियर मारूंगा अगर, तो रिवर्स गियर मारते के साथ इसमें कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा। नहीं सॉरी, रिवर्स गियर क्लिक गियर दिया है, सेंसर्स एक्टिवेट हो गए हैं, कैमरा एक्टिवेट हो गया है, तो ये एक अच्छा काम किया है फोर्स ने। फिलहाल हमें रिवर्स नहीं जाना, हमें फॉरवर्ड जाना है। अच्छा, अब इसका एसी ऑन कर लेते हैं, एसी देखते हैं कितना इफेक्टिव है इसका। एसी ऑन कर लिया, ब्लोअर ऑन हो गए हैं, एकदम से अच्छा लगने लगा। अच्छा, वो वाले एसी का कंट्रोल जो है, पीछे वाले एसी का कंट्रोल ऊपर दिया गया है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे रियर एसी का कंट्रोल दिया गया है, तो ये पूरी पूरी गाड़ी ठंडी हो जाती है, एकदम से ठंडा झोंका आया है मुंह पे, काफी अच्छा लग रहा है। सो लंबी गाड़ी है गाइस, देखना पड़ेगा, शीशे अच्छे से एडजस्टेड हैं। इसके जो शीशे हैं वो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक नहीं है ना पंकज भाई? नहीं, तो मैनुअली। तो एक और फैक्टर जो मेरे को डाउन साइड दिख रहा है वो ये है कि इसके जो शीशे अगर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड होते तो और अच्छा हो जाता। अब ड्राइव पे जा रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा लेते हैं। अब मैं आपको इसका इंजन परफॉर्मेंस इसके अंदर, अच्छा नॉइज की बात करें गाइज, आपको मेरे को लगता है आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही होगी क्योंकि अंदर मुझे इंजन की कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही, 0% आवाज सुनाई दे रही है इंजन की। ऐसा लग रहा है कि मैं गाड़ी में बैठा हूं, बस गाड़ी थोड़ी ऊंची है। तो ये लीजिए, हम लोग आ गए मेन हाईवे पे। जब आप इतनी लंबी गाड़ी चलाएं गाइस तो सिर्फ ध्यान रखें कि वो गाड़ी आपने इमीडिएटली नहीं काटनी है, एक बार देख के काटनी है कि भाई आपके आजू बाजू कोई आ तो नहीं रहा, आगे आजू बाजू कोई आ रहा हो तो थोड़ा सा रुक के काटना है। अब यहाँ से आप सीधे सीधे जाएं? नहीं, लेफ्ट, आगे से लेफ्ट लेंगे। अच्छा गाइस, मैं एक भरे हाईवे में ये गाड़ी चला रहा हूँ और एक चीज़ मिसिंग लग रहा है यहाँ पे, अगर एक आर्मरेस्ट होता, अगर कंपनी एक आर्मरेस्ट दे देती तो मेरे को काफ़ी अच्छा फील आता, बट चलो जो नहीं है उसके बारे में रोके क्या फ़ायदा, इसमें हम खुद लगा लेंगे आर्मरेस्ट अगर ये गाड़ी में लेता हूँ। दूसरा आप ये देखिए, मैं ट्रैफिक में हूँ, एक बार देखा मैं इसको होल्ड करता हूँ, तो मैं मतलब भरे ट्रैफिक में गाड़ी चला, अभी तो थोड़ा सा रोड खाली हुई है बट पीछे मैं भरे ट्रैफिक में गाड़ी चला रहा था। ये देखो ये भाई लोग आ गए ओवरटेक करने के लिए, ऐसा मेरे को कहीं भी महसूस नहीं हो रहा कि मैं काफ़ी बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ या बस जैसी कोई गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैं कोई फॉर्चुनर टाइप की गाड़ी चला रहा हूँ, स्कॉर्पियो या फॉर्चुनर। हाँ, ये और बात है कि इसका जो सीट है वो काफ़ी कमांडिंग पोजीशन पे है, तो मेरे को जो दिख रहा है मतलब पूरे दुनिया का व्यू जो दिख रहा है वो ऑलमोस्ट 360 डिग्री का व्यू दिखाई दे रहा है और सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। टूटी फूटी ऊबड़ खाबड़ रोड है, अभी तक मेरे को किसी भी गड्ढे के बारे में एहसास भी नहीं हुआ, अभी तक मैंने काफ़ी गड्ढे खुदाए और एक बार भी नहीं लगा कि मैं गड्ढे को, मतलब मेरे को ना बिल्कुल फील नहीं आ रहा कि मैं ये बस चला रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं कोई एसयूवी चला रहा हूँ। फिलहाल मैं चल रहा हूँ तीसरे गियर पे, अब मैंने गियर शिफ्ट किया है और मैंने पेडल पूरा दबा दिया है। मैं देखना चाहता हूँ कि इसका जो टर्बो आता है, गाइस टर्बो आते के साथ ही गाड़ी ना भागने लग गई है, अब ये बाइक वाला मेरी गाड़ी के नीचे ना आ जाए बस, इनसे मेरे को बड़ा डर लगता है गाइस। तो अभी तक मैं आपको अपना फर्स्ट हैंड रिव्यू शेयर कर रहा हूँ, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो जो गियर शिफ्टिंग है वो बहुत ही स्मूथ है, नॉइज़ गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ इस गाड़ी से सो फार चलाते हुए। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी डिटेल्ड है तो मेरे को दिख रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, जैसे इसमें फ्यूल कम है तो ये लाइट जल रही है अभी और ये बीप मार रही है बार बार। प्लस साथ ही साथ जो स्टेयरिंग है,
स्टीयरिंग काफी अच्छा है, जैसे मैंने बताया इसमें सिर्फ एक ही चीज मिसिंग है, वो है इसका स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, वो होते तो ये काफी बेटर हो जाता। बट अगेन लुक एट दिस गाइज, ये टू वे लेन है, टू वे लेन में गाड़ी चला रहा हूँ और सिंगल हैंडेडली ड्राइव कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, फील ही नहीं हो रहा है कि मैं इतनी बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ। कोई जो जर्क्स लगते हैं आपकी 40-20 में या जो फोर्स ट्रैवलर में जर्क्स लगते हैं, वो जर्क्स बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं, स्टेबल काफ़ी ज़्यादा है गाड़ी, बॉडी रोल मेरे को बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है, नॉइज़ मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हो रही है। और आई थिंक इंडिया में अभी तक की अगर कोई फाइनेस्ट इस सेगमेंट की गाड़ी है तो वो यही है, काफ़ी जल्दी बोल रहा हूँ ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बट अभी तक ऐसा फील हो रहा है। फोर्स ट्रैवलर जो जो आपको यातनाएं देता है, स्टेयरिंग का जो पोजीशन है, जो सिटिंग की पोजीशन है, जो प्लास्टिक है अंदर का, वो सब कुछ इसमें इम्प्रूव हो गया है, काफ़ी इम्प्रेसिव गाड़ी है। इजी मैन्यूवर हो रहा है, शीशे बहुत बड़े दिए हैं, देखो पीछे के कितने बड़े बड़े शीशे हैं। चलो अब इसको मेन हाईवे पे लेके जाते हैं और एक बार इसको हाई स्पीड पे टेस्ट करते हैं गाड़ी को। मैं टेस्ट करूंगा इसको करीबन 80 किलोमीटर की स्पीड पे। अच्छा, इन गाड़ियों की हाई स्पीड गाइस 80 ही होती है, इनमें एक स्पीड गवर्नर लगा होता है जो इनको 80 के ऊपर जाने नहीं देता। तो 80 पे टेस्ट करते हैं, बॉडी रोल चेक करेंगे, गाड़ी की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, गाड़ी के नॉइज चेक करेंगे, ये सारे फैक्टर्स चेक करेंगे। गाइस अब इस गाड़ी का टर्निंग रेडियस चेक करते हैं। जहां मैं खड़ा हूं ये टू वे रोड है, ज्यादा बड़ा स्पेस नहीं है अपने पास, इस पे हम देखते हैं कि ये गाड़ी पूरी की पूरी मुड़ जाती है या नहीं मुड़ जाती। तो पीछे चेक कर लिया, कोई नहीं आ रहा। अरे बहुत ही फनी चीज दिखाता हूँ गाइस, ऊपर यहाँ पे ना मेरे को मिरर नहीं दिखाई दे रहा भाई, मिरर नहीं है इसमें आता। जी जी, इसमें ऑप्शन नहीं है सर, मिरर का ऑप्शन ही नहीं है, दिया ही नहीं मिरर का ऑप्शन। देखो कॉस्ट कटिंग करी है फोर्स ने, यहाँ भी मिरर ही नहीं दिया सेंटर में। चलो इसमें कैमरा है वो और बात है, पर यहाँ एक मिरर तो दे ही सकते थे वैसे, बट नॉनेस चलो अब इसको, या इसमें दिखेगा ही नहीं पीछे, ऐसा है कुछ। ठीक है, अब इस पूरी गाड़ी को मोड़ना स्टार्ट करते हैं। मैंने पूरी गाड़ी मोड़ दी है और मेरे को पूरी रोड भी यूज नहीं करनी पड़ी कि पूरी की पूरी गाड़ी मुड़ गई और पता भी नहीं चला। सो वेरी इंप्रेसिव, फोर्स मोटर्स की सबसे इंप्रेसिव चीज अगर मुझे कोई लगती है तो नंबर वन है वो ये इंजन, और नंबर टू है ये जो आपने अभी अभी देखा टर्निंग रेडियस। आई थिंक ये 5.5-6 meters के आसपास का भी नहीं है, 6 meters के आसपास का टर्निंग रेडियस था, 6 meters में पूरी पूरी गाड़ी कट गई। और अब आप ये देखोगे कि मैंने तीसरे गियर में जैसे ही पेडल पे पैर रखा तो गाड़ी बिल्कुल हवा से बातें करने लग गई है आराम से, देखो क्या भाग रही है गाड़ी। और गाइस एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, इवन दो इंजन इस गाड़ी का और जो दूसरी आती है फोर्स ट्रैवलर कोई भी मॉडल, इंजन सेम है, बट इसमें पता नहीं क्यों मुझे एक अलग सा रिफाइनमेंट महसूस हो रहा है। जब मैं पेडल पे पैर रख रहा हूँ तो एक ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एकदम टर्बो सा कुछ आ रहा है। अब ये देखो गाइस मैंने ओवरटेकिंग करी है, ओवरटेकिंग करने में मेरे को कहीं पे दिक्कत नहीं हुई, और अब मैं गड्ढे के थ्रू लेके जा रहा हूँ गाड़ी को, गड्ढे का पता भी नहीं चला, आपको भी नहीं पता चला होगा, मुझे भी नहीं पता चला कहीं भी गड्ढे का। तो अगर मुझे एक वर्ड में डिफाइन करना हो कि मेरा राइड क्वालिटी का एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस गाड़ी का, तो आई वुड से वेरी 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 इंप्रेसिव। अब मैं क्या करूंगा, मैं पीछे जाके बैठूंगा और मैं देखना चाहता हूं कि जो सेकंड रो पे कंफर्ट है वो किस तरीके का है इस गाड़ी का, जो हमारे साथ हमारे को पैसेंजर्स होंगे जैसे आपके फैमिली मेंबर्स होंगे जब वो गाड़ी में बैठेंगे तो आपको कैसा फील आएगा। तो मैं गाड़ी साइड में पार्क कर देता हूँ, आप ड्राइवर साहब आ जाएंगे और मैं बैठूंगा सेकंड रो में। अब मैं आके बैठ रहा हूँ गाइज इस वाली सीट में, और जनरली अगर आप कैरावैन इसको कन्वर्ट करोगे तो आप इसी सीट पे बैठोगे, एसी का थोड़ा सा आनंद लें, ये वेंट दिए हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये जो है बेसिकली ये ब्लोअर यूनिट्स हैं, जब ये गाड़ी मैं ले लूँगा तो उसके बाद देखूंगा अगर इनकी ज़रूरत है तो इनको रखूंगा, नहीं तो मैं आगे वालों से ही काम चलाऊंगा। जो पिछली सीट है ये भी काफ़ी अच्छी है, इसमें ये रिक्लाइन का ऑप्शन दिया है, काफ़ी रिक्लाइन मैं कर सकता हूँ, और जो फ्रंट सीट में नहीं दिया वो भी इसमें दे दिया है, ये देखो इसमें आप चला लीजिए गाड़ी, आप चलिए। तो ये साइड में इसका आर्मरेस्ट दे दिया है जो अच्छा है। मुझे पिछली सीट पे बैठ के ठीक लग रहा है, साइड में भी विंडो है, इधर भी विंडो है, दोनों तरफ बड़ी बड़ी विंडो है, आगे भी पूरा व्यू दिखाई दे रहा है। तो भाई गाड़ी में एक चीज़ तो गारंटीड है कि आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक कभी नहीं महसूस होगा, बहुत ज़्यादा एयरी सा फील हो रहा है, बहुत बहुत वाइड गाड़ी है भाई, बहुत वाइड गाड़ी है। इसको इसका जो कंफर्ट या जो इसके अंदर का फील है ना गाइस, वो मैं बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली जब मैं फोर्स ट्रैवलर में बैठता हूँ इसी जगह पे तो मुझे
वैसा सा फील आता है कि भाई मैं कुछ कमर्शियल गाड़ी में बैठा हूँ। इसमें बैठ के मुझे कमर्शियल फील कहीं से भी नहीं आया अभी तक। अभी तक बहुत अच्छा फील आ रहा है। एक बहुत इंप्रेसिव चीज़ है, ड्राइवर और को ड्राइवर के बीच में अगर आप यहाँ देखोगे तो काफ़ी तगड़ा स्पेस है। जो इंजन जहाँ पे बीच में फोर्स ट्रैवलर में आया करता था वो सारा खाली हो गया है और काफ़ी तगड़ा स्पेस है। आने जाने के लिए ये काफ़ी ईजी है। यहाँ पे आप चाहो तो अपना कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो, आपकी बैटरीज आ सकती हैं एक रेस प्लेटफॉर्म बना के। आपको ये सेंटर में एक पट्टी सी दिख रही है, ये जो फ्लोरिंग है ये उठी हुई है। अब क्यों उठी हुई है, क्योंकि इसके नीचे यहाँ वेलक्रो लगा, इसके नीचे बैटरी है इसकी, बेसिकली इसकी बैटरी है। दूसरी चीज़ है वो आप देखो, ड्राइवर और को ड्राइवर के सीट के नीचे आपको स्पेस दिखाई दे रहा है काफ़ी सारा। ये स्पेस टूल्स के लिए और मिसलेनियस चीज़ों के लिए या ऑक्सिलरी बैटरीज के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। और आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ गाइस, ये देखो ये जो गियर लीवर है, गियर लीवर काफ़ी छोटा सा दिया हुआ है, सिंक्रोमैश गियर लीवर है। ये भी मर्सिडीज ड्राइव्ड है, इसका इंजन भी मर्सिडीज। गाइज ये है तो स्प्रिंटर ही, मैं आपको सच्ची बताऊं तो है तो ये मर्सिडीज स्प्रिंटर ही, और फोर्स ने प्रोड्यूस किया है इसको इंडिया में, बट डिज़ाइन विज़ाइन सब कुछ वहीं से कॉपी है। हाँ, जो स्प्रिंटर है उसमें आपका डिफरेंशियल लॉक भी आ जाता है, उसमें आपका ऑटोमेटिक गियर सिस्टम भी आ जाता है, उसमें आपका 4x4 भी आ जाता है। बस वो सारे फीचर्स फोर्स ने इस गाड़ी में नहीं डाले, आई थिंक उनका मकसद भी नहीं है ये सारी चीज़ें लेके आने का, तो होते तो बहुत ही मज़ा आ जाता। सो गाइस कुछ डाउनसाइड्स हैं जो मेरे को दिखाई दिए, मैं एक एक करके ना देखो यार ऐसा होता है मेरा होमवर्क यार, दिस माय होमवर्क। और अभी एक एक करके ना जो जो डाउनसाइड्स दिख रहे थे ना गाड़ी के वो लिखते जा रहा था। तो डाउनसाइड्स की बात करें, सबसे पहला डाउनसाइड मुझे लगा भाई स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं है। इतने पैसे में जब इतने 35-36 लाख रुपए आप ले रहे हो तो स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल इजीली आप दे सकते थे। दूसरा मुझे दिखाई दिया भाई व्हील कैप्स नहीं दिए उन्होंने यार, मतलब पर आप लोगों ने क्यों उतारे, आप उतार के रखते हो क्या? उतार के रखते, उतार के रखते हो, बाहर रोड आते हैं तो। ओके ओके। इसके बाद एक मेरे को जो बहुत बड़ा डाउनसाइड दिखाई दिया गाइस वो है यार ये देखो, ये जो विंडोज है ना ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज है। अब ब्लेसिंग इन डिसगाइज कैसे है, क्योंकि देखो जब आपने इसको एज अ पैसेंजर व्हीकल चलाना है तो ये विंडोज़ आपको बहुत अच्छा फील कराती हैं, बट जब आपने इसको कैरावैन बनाना है ना तो यार इतनी बड़ी विंडोज़ में हीट एक्सचेंज जो है ना वो बहुत तगड़ा हो, मतलब ये गाड़ी एक तरीके से एक आपका हॉट बॉक्स बन जाएगी, धूप में अगर खड़ी है तो ये हॉट बॉक्स बन जाएगी। उसके लिए आपको बहुत अच्छे लेवल, चलो उसका भी अपने पास सोल्यूशन है, उसका सोल्यूशन अपने पास ये है कि मैं इसमें अच्छे वाले जो कर्टेंस होंगे जो ब्लैकआउट कर्टेंस होते हैं और मोटराइज्ड ब्लैकआउट कर्टेन लगाएंगे ताकि जिसपे सेंसर होगा जैसे ही हीट ज़्यादा हो रही है ऊपर नीचे अपने आप हो जाएंगे। सो अगला जो मैंने डाउनसाइड लिखा है ना गाड़ी इस गाड़ी का वो है ये देखो, ये इससे ये जो ब्लोअर दिए हुए हैं ना एक्स्ट्रा, एक इधर और एक इधर, इन्होंने भाई काफ़ी स्पेस खा लिया है। अब अपने को ये देखना पड़ेगा कि जब हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो या तो हम इसको कंसील कर देंगे, कंसील करते हैं तो इतना हिस्सा गया। दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि भाई इसमें हम कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, अगर 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो मुझे लगता है आगे वाला जो एसी है ना उससे अपना सारा सारा काम हो जाएगा। सिर्फ क्योंकि ये जो सीटें हैं मैंने बताया था आपको, इन सीटों को हम आगे करेंगे, ये सीटें यहाँ तक आ जाएंगी। जब ये सीट यहाँ तक आ जाएंगी इसके पीछे हम यहाँ पे कर्टेन माउंट कर देंगे, कर्टेन लगा दिया, सीटें आगे हो गई, तो मुझे लगता है ये वाला जो एसी है ये सारा काम कर देगा। इन वाले ब्लोअर्स की अपने को जरूरत पड़ेगी नहीं, इनको हम रिमूव भी कर सकते हैं। और अगला जो डाउनसाइड है गाइस वो ये है कि जो इतनी सारी सीट्स है ना यार, ये जो इतनी सारी सीट्स हैं ये सारी जाने वाली हैं बर्बाद, इनका कोई यूज़ नहीं है, ये जाएगी कबाड़ी वाले के पास, कबाड़ी इसके कोई पैसे नहीं देगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो ये जो सीट्स, इसमें शेल वेरिएंट नहीं आता गाड़ी में, अगर इसमें शेल वेरिएंट आ रहा होता तो लगभग लगभग अपनी 50-60 हज़ार रुपए लाख रुपए कॉस्ट कम होनी चाहिए थी। ये सारी सीट्स वेस्टेड है और बहुत अच्छी सीट्स हैं, मतलब ये इतनी अच्छी सीट्स हैं कि कोई अगर बस बना रहा हो तो उनमें इजीली फिट कर सकता है, बट जब आप ये गाड़ी लेके ये सारी सीट्स रिमूव करोगे कबाड़ी वाले के पास जाओगे वो 200-300 रुपए भी नहीं देगा एक सीट के, और जब इनको खरीदने जाओगे तो आपको 10,000 रुपए पे करने पड़ेंगे एक सीट का। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है यार, फोर्स मोटर्स अगर सुन रहा है इस वीडियो को देख रहा है तो कुछ करो भाई इस बारे में, मतलब ये हमें चाहिए नहीं ये सीटें, हमें केवल ये आगे आगे वाली दे दो, ये भी मत दो, ये हम बाहर से लगा लेंगे, पर खाली गाड़ी दे दो और पैसे कम कर दो थोड़े से। पंकज भाई हमारे साथ हैं फोर्स डीलरशिप से, फोर्स डीलरशिप में ये हेड करते हैं अपना अर्बेनिया वाला डिवीजन, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ जो सबसे छोटा व्हील बेस है जो वो आगे खड़ा है उसकी क्या कॉस्ट है अपनी, अप्रोक्सीमेटली ऑन रोड क्या पड़ जाती है? ऑन रोड सर ये पड़ेगा 35 लाख
अप्रॉक्सीमेटली। तो वो जो सबसे छोटी वाली गाड़ी है वो 35 लाख रुपीज पड़ती है, उसमें 43% 43% का टैक्स लगता है, जिसमें से 28% जीएसटी है, 15% सेस है, करेक्ट? राइट। ये जो ये वाली गाड़ी है, ये जो मिडिल साइज व्हील बेस है, ये कितने का पड़ेगा अपने को? ये पड़ेगा सर 35 लाख। ये भी 35 का। तो बेसिकली गाइज कहने की बात ये है कि चाहे आप वो छोटी वाली गाड़ी लो, चाहे आप उससे बड़े वाला व्हील बेस लो, दोनों गाड़ियों में आपका कॉस्ट रहने वाली है सेम। इसमें आपका 15% सेस नहीं लगता, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार कहती है कि अगर आपकी गाड़ी में 12 से ज्यादा सीट है तो आपको सेस नहीं देना, ये फिर आपका इकोनॉमी क्लास में आ जाती है। आप आई डोंट नो हाउ टू पोर्ट्रे दिस, बट वो गाड़ी लग्जरी में है, जो छोटी वाली है वो लग्जरी गाड़ी है और ये लग्जरी नहीं है। अच्छा पंकज भाई एक बात बताओ, वो जो सबसे बड़ी वाली गाड़ी खड़ी है पीछे व्हाइट वाली जिसको हमने कवर किया था, वो वाली जो 17 सीटर है उसकी कॉस्ट कितनी है लगभग लगभग ऑन रोड? 17 सीटर जो है उसका 34-50 लाख। वो इससे भी सस्ती है जी? क्या बात कर रहे हो आप, ऐसा क्यों? एक्चुअली उसमें एयर बैग नहीं आते और उसमें एयर बैग नहीं है, आगे का सस्पेंशन रिजिड है जी जी, और देन उसके बाद में फिर उसमें जो इंश्योरेंस होता है और आरटीओ होता है, हाँ, तो उस हिसाब से उसमें ईयरली ईयरली वाला उसमें। अच्छा, तो मोटी मोटी बात मुझे ये समझ में आएगा इसकी, आप इन तीनों में से कोई भी गाड़ी ले लो, प्राइस आपकी सेम रहने वाली है, एब्सोल्युटली सेम रहने वाली है। सो गाइस अब बात करते हैं ओनरशिप प्राइस की, इस गाड़ी को ओन करने की प्राइस की और इसको कन्वर्जन की। सो ऑन एन एवरेज अगर मैं 3350 लेता हूँ, 3350 T2 गाड़ी लेता हूँ जो काफी सारे लोगों ने कन्वर्ट करी है, तो वो गाड़ी मुझे कॉस्ट करती है ऑन रोड शेल मॉडल 22 लाख रुपए प्राइवेट रजिस्ट्रेशन के साथ। उसमें मोटा मोटा मेरा जो खर्चा आता है वो आता है क्लोज टू 14-15 लाख रुपए पूरा पूरा कन्वर्जन करने के लिए, जहां चार लोग इजीली बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, खा सकते हैं, किचन भी है, वॉशरूम भी है, सब कुछ है, पावर भी है, सोलर भी है, सब कुछ है मतलब। तो उसमें लगभग लगभग 14-15 लाख रुपए का कन्वर्जन कॉस्ट आता है। इस गाड़ी में वो कॉस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। वो कम कैसे हो जाता है? सबसे पहले आप एक इंफोटेनमेंट सिस्टम का पैसा बचा लेते हो, करीबन करीबन 25,000-30,000 रुपए के बीच में आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है विद स्पीकर्स। स्पीकर्स मेरे ख्याल से 10,000-11,000 रुपए और ऊपर आते होंगे। उसके अलावा आप एक एसी जो है ना, इस वाली गाड़ी में आप एसी नहीं लगाते हो, इंजन ड्रिवन, इसमें पहले से आता है, तो लगभग लगभग आपने 1,85,000-2,00,000 रुपए तक की कॉस्ट ये सेव कर ली। फोर्स ट्रैवलर में एयर बैग्स नहीं आते हैं, इस गाड़ी में एयर बैग्स आते हैं। सरकार भी कहती है कि एयर बैग्स आपको कंपलसरी करना है हर गाड़ी में। फोर्स ट्रैवलर में अभी भी नहीं आते, क्यों नहीं आते पता नहीं, पर अर्बेनिया में 2 एयर बैग्स आते हैं। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा एक एडिशन है। इसके अलावा गाइज ये जो पूरी पूरी गाड़ी है ये बहुत प्रीमियम है। इसमें द मोमेंट जैसे ही आप दरवाजा बंद करते हो वहीं से आपको फील आ जाता है कि ये कमर्शियल सेगमेंट की गाड़ी नहीं है, ये प्राइवेट सेगमेंट की गाड़ी है। अगला स्टेयरिंग टिल्ट कंट्रोल, तो भाई वो जो उसमें स्टेयरिंग है फोर्स ट्रैवलर में वैसे है, मतलब आपको ऐसे बैठ के चलाना पड़ता है, आपको बिल्कुल ड्राइवर जैसा फील आता है। और जब आप अर्बेनिया चलाते हो तो इसको आप टिल्ट कर सकते हो, ऊपर नीचे आपका स्टेयरिंग जाता है। टिल्ट करने का मतलब है कि आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के चला सकते हो। अगला डिफरेंस आ जाता है सीटें, ये जो सीट्स हैं जिन पे ड्राइवर साहब अभी बैठे हैं, ये 6-way एडजस्टेबल सीट है, बहुत कंफर्टेबल गाड़ी जैसी सीट है। जो फोर्स ट्रैवलर की आती है वो कमर्शियल व्हीकल की जैसी ड्राइवर की सीट होती है वैसी आती है, इतना वो कंफर्टेबल, इसके मुकाबले वो कंफर्टेबल नहीं है, ये सीट महंगी वाली सीट लगी हुई है। सो गाइज ये गाड़ी और फोर्स ट्रैवलर में एक बहुत मेजर डिफरेंस है, वो है इंजन का। तो इस गाड़ी में इंजन आगे बोनेट के अंदर है, फोर्स ट्रैवलर में आधा बोनेट में होता है, आधा आपके पैरों के बीच में, ड्राइवर को ड्राइवर के बीच में होता है। उससे होता क्या है कि जो नॉइज है गाड़ी की ना वो बहुत इरिटेटिंग हो जाती है। आप किसी भी व्लॉगर का या किसी भी वैन लाइफर का वीडियो देखो जो फोर्स ट्रैवलर चला रहा है, जब वो अपना वीडियो बनाते हैं सीट पे बैठ के तो वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होते हैं, क्योंकि भाई आवाज ही नहीं आती, इंजन की आवाज इतनी है। और सिमिलरली फिर इंजन हीट भी प्रोड्यूस करता है, जब इंजन आपके पैरों के बीच में है तो वो हीट भी प्रोड्यूस करेगा, और जब इंजन आपके पैरों के बीच में है तो उसकी वाइब्रेशन भी होंगी। तो इस गाड़ी में ना वो मेरे को नॉइज सुनाई दी, ना वो मुझे वाइब्रेशंस महसूस हुई, और ना ही मुझे ऐसा लगा कि कोई हीट का प्रॉब्लम आ रहा है कहीं भी। प्लस इसके साथ साथ जो डैशबोर्ड इस गाड़ी का है वर्सेस जो डैशबोर्ड उस गाड़ी का है, उसमें भी जमीन और आसमान का अंतर है। तो ओवरऑल मैं आपको ये, हाँ एक फीचर मैं भूल गया, इस गाड़ी में जो आपका सस्पेंशन आता है वो एक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन आता है, मतलब हर टायर का अपना एक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है, विच मींस कि कोई गड्ढा आएगा और इस वाले टायर को के नीचे गड्ढा आया है तो ये टायर मूव होगा, आपकी पूरी गाड़ी ऊपर नीचे नहीं होगी। वर्सेस फोर्स ट्रैवलर में आपका रिजिड सस्पेंशन आता है, रिजिड सस्पेंशन में एक भी टायर में अगर एक भी टायर गड्ढे में जाता है तो आपका पूरी गाड़ी झटका मारती है। तो उसकी वजह से आपका जो ड्राइव क्वालिटी है वो इस वाली गाड़ी में बहुत इंप्रूव हो चुकी है और बहुत ज्यादा अंतर है। तो ये जो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, इन सारी चीजों को आप कंसोलिडेट करोगे तो लगभग लगभग
7 से 8 लाख रुपए का तो आपने वर्थ निकाल लिया, तो जो डिफरेंस है 22 लाख रुपए की आपकी 3350 T2 वर्सेस 35 लाख रुपए की ये जो मिड व्हील बेस है 3615 वाला, इन दोनों में लगभग 8 लाख रुपए की वैल्यू तो आपने निकाल दी है, अभी भी बच जाते हैं 4 से 5 लाख रुपए। तो गाइज है क्या, ये ना न्यू जनरेशन कार है, ये न्यू जनरेशन कार है और वो एक ओल्ड जनरेशन है, तो ये जो जनरेशन का डिफरेंस है उसमें भी कुछ ना कुछ वैल्यू तो जस्टिफाई होती है। मुझे लगता है अगर ये गाड़ी 30 लाख रुपए के ब्रैकेट में लॉन्च हुई होती तो इसने धमाल मचा देना था, 35 लाख थोड़ा सा मुझे ऊपर लगता है। बट अगर आपको पैसों की चिंता नहीं है, अगर आपके पास बजट है और आप फोर्स ट्रैवलर कंसिडर कर रहे थे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एक बार इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव जरूर 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 लें, क्योंकि ये गाड़ी आपका परसेप्शन बसेस को लेके वैन्स को लेके बिल्कुल चेंज कर देगी, आपका कैरावैनिंग का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा एलिवेट हो जाएगा इस वाली गाड़ी में। जो फोर्स ट्रैवलर है वो अच्छी गाड़ी है, मतलब बहुत रिलायबल गाड़ी है, कहीं भी आपको लेके जाएगी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। सिमिलर ये भी बहुत अच्छी गाड़ी है, बट ये प्रीमियम है, इसमें लग्जरी है, इसमें बैठ के आपको कभी भी ऐसा फील नहीं आएगा कि आप एक कमर्शियल गाड़ी में बैठे हो। तो मेरा वर्डिक्ट ये है कि अगर मैं अगली कोई गाड़ी बिल्ड करूंगा और वो आज बिल्ड करूंगा तो मैं अर्बेनिया में करूंगा, मैं फोर्स ट्रैवलर में बिल्ड नहीं करूंगा। हाँ, अगर मेरा बजट कंस्ट्रेंट है तो ऑफकोर्स मेरे को फोर्स ट्रैवलर की तरह जाना ही जाना पड़ेगा। गाइज मेरे पास एक बहुत अच्छी न्यूज है आपके लिए, अगर आप इस गाड़ी को खरीद के फैब्रिकेट करवाना चाहते हो तो मैं आपका 100% फैब्रिकेशन इस गाड़ी का कर दूंगा। और डिपेंडिंग ऑन आप इस गाड़ी के अंदर क्या क्या चाहते हो, जैसे आपका वॉशरूम कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, चिमनी चाहिए, हॉब चाहिए, किस लेवल का आपको वाटर टैंक चाहिए, वो सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करके कॉस्ट निकल के आएगी। और एक अच्छी खबर, अगर आपका ज्यादा बजट नहीं है, फोर्स ट्रैवलर वाला आपका बजट है और फिर भी आप अर्बेनिया लेना चाहते हो, तो मैं आपके लिए ये गाड़ी एंड टू एंड बना के दे दूंगा, विच मीन्स कि आपका प्रोक्योरमेंट से लेके डिलीवरी तक मैं आपको ये पूरी पूरी गाड़ी बिल्ड करके दे दूंगा और 100% गाड़ी पे मैं आपका लोन करवाऊंगा, विच मीन्स आपका जो बेस व्हीकल कॉस्ट है विच इज 35 लाख रुपीज प्लस जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपका आता है उन सबको मैं फाइनेंस करवा दूंगा, जिसमें से 80% तक का जो अमाउंट है वो बैंक पे करेगा, आपको सिर्फ 20% पे करना है। तो ओवरऑल आपके पास ये वाला फीचर भी आ जाता है कि जहां पे आपको पूरा का पूरा डाउन पेमेंट, मतलब 100% पेमेंट नहीं करनी है गाड़ी की, 100% पेमेंट नहीं करनी है कंस्ट्रक्शन की, आपने एक छोटा सा अमाउंट पे करना है। जब आप मेरे से इंडिविजुअली बात करेंगे तो मैं आपको वो सारे के सारे डिटेल्स दे दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में गाइज मैंने एक लिंक छोड़ी है जिसमें मेरे पास कुछ यूज व्हीकल्स भी हैं, अगर आपके मतलब का कोई व्हीकल होता है तो आप वो फॉर्म भरिए, उस फॉर्म के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन सा व्हीकल सूट करेगा और जो भी मेरे पास इन्वेंटरी होगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। फिलहाल वेरी 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 हैप्पी विद अर्बेनिया, जो इसका मिडिल वाला सेगमेंट है, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी इंप्रेस्ड। और मैं अभी आदित्य भाई को ये कह रहा था, मन तो कर रहा है कि इसी गाड़ी में अब यहाँ से घर जाऊं, पर क्या करें ना देखो पंकज भाई खुश हो गए, इनकी सेल होने वाली है तो देखते हैं गाइस, अगर बजट अलाउ करेगा तो शायद मैं इस गाड़ी को लेके जाऊंगा और हो सकता है ना लेके जाऊं, मतलब आई डोंट नो। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कंपैरिजन अच्छा लगा, कोई भी आपकी हेल्प हुई प्लीज सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, कोई भी आपका डाउट है क्वेश्चन है उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछो। अगेन अगर आपको लगता है कि मेरे कंटेंट ने आपकी लाइफ में कहीं भी वैल्यू ऐड करी है तो प्लीज कंसिडर बाइंग मी अ बियर, लिंक ये रही, प्लीज कंसिडर बाइंग मी अ बियर दैट वुड है। अब इतनी गर्मी है गाइज, ये देखो यार कितनी गर्मी है, पसीने पसीने हो गया हूँ मैं, ये देखो शर्ट भी गीली हो गई है, अब बियर नहीं पीऊँगा तो गाड़ी कैसे चलेगी। तो कंसिडर बाइंग मी अ बियर अगर आपको लगता है कि मेरे कॉन्टेंट ने कहीं भी आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड करी है। अपनी कैरावैन की कंसल्टिंग के लिए मैंने नीचे एक लिंक छोड़ा है, उस पर प्लीज क्लिक करके आप अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, चाहे आप छोटी गाड़ी बिल्ड करना चाहते हो चाहे आप बड़ी गाड़ी बिल्ड करना चाहते हो, आई हैव एक्सपीरियंस इन बोथ द सेगमेंट्स। तो लेट्स कनेक्ट और लेट्स गो आउटडोर।